दोस्तों, यह सच्चाई है सच के खोज की। हम जानना चाहते थे कि संत आशाराम जी बापू आखिर किस परंपरा से संत हैं। इसीलिए हमने इतिहास के 500 वर्ष पुराने पन्नों को खोलना चालू किया और हम अपनी पूरी टीम के साथ चल दिए भैराना के घनघोर जंगल की ओर, जहां पर दादू दीन दयाल जी की गाथाएं सच्चाई बोल रही थी। और यह स्थान है राजस्थान जयपुर। आज हम आपको लेके आए हैं बहुत सारे सवाल जवाब के बीच में। हमारे बीच इस समय श्रवण महाराज जी दादू परंपरा से मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है वैराना के पर्वत में, जहाँ पर 100 ब्रह्मज्ञानियों की गाथाएं हैं। आपके हाथ में जो ग्रंथ है, ग्रंथ श्री भक्तमाल जी, जो आपने बहुत ऐतिहासिक बातें इसमें लिखी हुई हैं, दादू जी की परंपरा का पूरा उल्लेख किया गया है। इस परंपरा को आपने संत आसाराम जी बापू से जोड़ा, तो इस परंपरा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, इस स्थान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सतराम हरिओम। ये जो वैराना पर्वत है, यहाँ पर स्वामी दादूदयाल जी महाराज जो अंतर्ध्यान हुए, प्रकट हुए दादूदयाल जी महाराज अहमदाबाद के कांकरिया तालाब पर, वहाँ प्रकट हुए। और दादूदयाल जी महाराज वैसे परमात्मा श्री नारायण के प्रथम अवतार सनकादिक हुए, उनमें सनक जी महाराज के वे अवतरित हुए हैं, लोधीराम जी ब्राह्मण के वे पोष्य पुत्र रहे। वैसे दादूदयाल की 5 धाम है। सबसे प्रथम करडाला जो किशनगढ़ के पास में है, परबतसर के पास में, उसके बाद में सांबर, उसके बाद में आमेर, आमेर के बाद में नरेना, नरेना के बाद में भैराना। हमारे बीच दादू परंपरा के संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय संत हैं। यहाँ पर जो बातें हैं स्वामी जी उठी बहुत सारी, आपके हाथ में भक्तिमाल ग्रंथ है, जो दादू दीन दयाल जी की परंपरा से निश्चल दास जी हुए, केशव दास जी हुए, लीला साहब जी बापू हुए, तो उनके बाद संत आसाराम जी बापू हुए, तो क्या लगता है आपको, चार्ट आपके हाथ में है? बापू जी जो है दादू दयाल जी की परंपरा से ही संत हैं, और ये संत जो है बड़े अच्छे धर्म प्रचार कर ही रहे थे। देशों विदेशों में करोड़ों लोगों को भक्ति मार्ग पर उन्होंने लगाया, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि भारत भूमि के ऊपर हमारे संतों को कई बार, एक बार नहीं, कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी ठेस पहुंचाई है। जी महाराज के वैसे 152 शिष्य थे, वो भी 152 ही सिद्ध थे। 100 को आज्ञा हुई कि भैराना पर्वत के ऊपर तप करना, तो 100 तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन 52 को ये आदेश था कि आप धर्म का प्रचार करें। तो जगह जगह 52 शिष्यों ने तप किया, साधना की, और ये संप्रदाय का एक बहुत विशाल जन समूह के रूप में जो आप देख रहे हैं। निशिलदास जी हमारे दादूपंत संप्रदाय के थे, जिन्होंने वो अपने विचार सागर जो बनाया है, बहुत बढ़िया, सबसे उत्तम है विचार सागर जिसमें बना है आज तक, वो निशलदास जी महाराज का ही है। उसी परंपरा का एक मखान है पानीपत जिले में, जिसका नाम है किडोली, वहाँ अमरदास जी महाराज के शिष्य हुए हैं निशलदास जी महाराज। उनका जन्म वहीं पास में भिवानी जिले में धन्नाणा गांव हुआ है, जाट परिवार से। और निश्चल प्रेमदास की परंपरा से जो केशव जी का अटैचमेंट है, वो क्या लगता है आपको? निश्चलदास जी के शिष्य ही केशवानंद जी, और उन्होंने ही जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है, उस समय उन्होंने अपना स्थान पाकिस्तान में बसाया। ये तो भारत का ही अंग था, तो अंग ही था, बाद में अलग हुआ। संत आसाराम जी और भी कई संत इस प्रणाली के अंदर है, दादू परंपरा से निशलदास जी हुए, निशलदास जी से केशवदास जी हुए, उसी परंपरा से लीलाराम जी हुए। नाथ संप्रदाय में पुत्र पिता की परंपरा नहीं होती है, गुरु वंश की परंपरा होती है। नाथ जी गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के पुत्र, मच्छिंद्रनाथ अपने गुरु के पुत्र, ऐसी न दैहिक पिता की परंपरा नहीं चलती, आध्यात्मिक पिता की परंपरा चलती। आशाराम थाउमल नहीं चलेगा, आशाराम लीलाशाह जी, लीलाशाह जी केशव राम चलेंगे, केशव राम से वो चलेंगे, ऐसे करते करते दादू दीन दयाल तक जाएगी।
दादू दीनदयाल से लेके आगे जाएंगे तो ब्रह्मा जी तक, और आगे जाएंगे तो विष्णु तक, और विष्णु जहां से पैदा हुए इस ब्रह्म तक की हमारी परंपरा है, आपकी भी वही है। दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्य हुए, उनमें से 8वें शिष्य बनवारी दास हरिदास जी हुए, उन्हीं में से निखिलदास जी महाराज हुए थे। निखिलदास जी महाराज है जो बड़े वेदांति महापुरुष हुए हैं, विचार सागर नाम का ग्रंथ रचा, और उन्हीं के शिष्य केशवानंद जी महाराज हुए। केशवानंद जी बड़े तपस्वी महात्मा और त्यागी महात्मा रहे हैं। फिर उनके शिष्य उनके चरणों में आए, श्री लीलाराम जी महाराज 13 वर्ष की अवस्था में आ गए थे, बड़ी तपस्या की, साधना की, सेवा की, और लीलाराम जी महाराज साक्षात्कारी महापुरुष, 20 वर्ष की अवस्था में साक्षात्कार हो गया। फिर उनके चरणों में बहुत सारे संत आए, साधक आए, उन्हीं में से सत शिष्य बापू जी हैं, तो बापू जी ने भी बहुत है जो वहाँ पे साधना की है, गुरु आश्रम में रहे हैं और साक्षात्कार हुआ है, और ऐसे में फिर धुआंधार प्रचार किया संसार में और धर्म की ध्वजा लहरा दी, तब कुछ ईसाई मिशनरियाँ हैं वो जो कर रही है। निखिलदासी का जयपुर में बहुत विरोध किया था पंडितों ने, फिर शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में निखिलदास जी महाराज आगे जीत गए थे, और निखिलदास जी महाराज को तो पढ़ने तक नहीं दिया था। बाद में निखिलदास जी महाराज ने विचार सागर ग्रंथ ऐसा तैयार किया कि सारे जो भारत के विद्वान उनका अनुसरण करने लगे थे। उसी में से केशवानंद जी महाराज हुए, केशवानंद जी के शिष्य लीलाशाह जी महाराज हुए, फिर बापू जी पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी। संत आसाराम बापू जी बहुत अच्छे एक प्रचारक, एक संस्कारवान, जो समाज को इतना संस्कार दिया, समाज को इतनी जो है शिक्षा दी है, उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने मिला करके षड्यंत्र रचा करके आज उनकी ऐसी मतलब साधु समाज की, या समझो एक अच्छे इंसान की, संत की, उन्होंने उस तरह से जो है रूपरेखा बना रखी है। ये स्वार्थी तत्वों का काम है। संत ऐसी कोई बात अपने मुख से कभी गलत किसी को बोलते ही नहीं है, वो तो मन और वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं। चाहे कितना ही उनको कैसा ही कष्ट दे तो वो अपने वाणी से किसी को अपशब्द बोलते ही नहीं है। वो यही सोचते हैं इसको ज्ञान नहीं है जब ऐसे बोलता है। प्रक्रिया को आपको क्या लगता है? आपको ऐसा है ना, इसमें तो स्वार्थबाजी, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। बिल्कुल, संत कभी किसी का अहित नहीं करते, और ये सृष्टि के निर्माण के साथ में सुख है तो दुख है, निंदा है तो जो है अपवाद में मिलते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों के कोई वो नहीं है। अंगुली तो संसार है और संसार तो उठाता ही रहेगा, लेकिन संतों ने तो बहुत अच्छी वाणी कही है। रज्जब ने अपनी वाणी में कहा है कि जो है रज्जब रोष न कीजिए, लोग कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही, क्योंकि सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, यश है तो अपयश भी है, तो ये तो निरंतर जो है चलने वाली बातें हैं, लेकिन संत महापुरुष इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। विरोध तो होते ही, हर वस्तु का होता है, तो उसका आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो उस विरोध को? वो संत की माँ, संत हर वस्तु को धारण कर सकता है। क्या बोलेंगे आप? साजिश ही है इसमें तो, सबको साधु समाज को और अच्छे जो विचारवान है, संस्कार है, हिंदू धर्म के जो प्रचारक हैं, उन साधु संतों को भी सहयोग रख करके और उनके जो है बारे में विचार करना चाहिए। स्वामी जी, एक एक करके संतों को, जो बड़े बड़े कार्य करते हैं उनको ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो समाज को क्या हानि होगी, आपको क्या लगता है? समाज के संस्कार खत्म हो जाएंगे। आज हिंदू समाज में दिनों दिन संस्कार घटते जा रहे हैं, श्रद्धा कम होती जा रही है, क्योंकि स्वार्थ के तत्व हैं, अच्छे अच्छे साधु संतों को इस तरह से जो है उस जाल में फंसा लेते हैं, और फिर वो लोग मान लेते हैं कि भी ऐसे ही हैं। इस तरह से ऐसी धारा बनती रहेगी तो हमारे संस्कार कम होगा, हिंदू समाज में बहुत बड़ी जो है क्षति होगी। इनका कसूर ये था कि ये कसाई जो ईसाई है ना, उस परंपरा को ख़त्म करके ईसाइयों को वापस हिंदुओं में कन्वर्ट हो रहा था। आसाराम जी की वजह से लाखों ईसाई वापस हिंदू बन रहे थे, अपने घर वापसी कर रहे थे, और आज इस संसार में सबसे बड़ा ईसाई धर्म है, उनका वर्चस्व वो अपना आपको खोना नहीं चाहते, और हमारी जो उच्च पदों पर बैठी हुई भारत की जितने भी नेतागण हैं वो उस ईसाई परंपरा से जुड़े हैं, तो उनके दिल को चोट पहुंचती है, इसलिए हिंदू धर्म पे ही सबसे बड़ा हमेशा वार किया जाता है। अखाड़े वालों ने बीच में मैटर उठाया था कि संत कौन है और संत कौन नहीं है, लिस्ट जारी की थी, तो मीडिया ने तमाम प्रकार की बातें की थी। 14 अखाड़ा जो है एक व्यवस्था है, 4 संप्रदाय 52 द्वारा जो चला है पहले से, जो रामानंद जी महाराज से, और ये देखिए
रामानुज जी, रामानंद जी, विष्णु स्वामी जी, माधवा आचार्य जी, निम्बार्क स्वामी जी, इनसे जो है इनके अंतर्गत चार संप्रदाय 52 द्वारे हुए हैं, तो उन्हीं में से 13 अखाड़े हैं। अब इनमें से आगे चल करके और भी कई ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, उनके अलग अलग पंथ हैं। जैसे इन्हीं श्री संप्रदाय में से आगे चल के संत दासोत महापुरुष हुए, उनसे चार रामसनी संप्रदाय चली, तो 13 अखाड़ा वो अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि केवल 13 अखाड़ा जो बोलते हैं वही होता है, 13 अखाड़ा के अलावा जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष दादू दयाल जी महाराज हुए, तो कल वो बोल देंगे कि दादू दयाल जी महाराज भी संत नहीं थे, कल वो बोल देंगे गुरु नानक भी नहीं थे, कल वो तो कह देंगे नरसिंह जी भी नहीं थे हमारे 13 अखाड़ों में। तो उनके कहने से कोई वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो संत नहीं है। बापू जी संत हैं और हमारी दादू पंत परंपरा से हैं, और साजिश की है लोगों ने, साजिश तो संतों के साथ होती आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 13 अखाड़ा करे वही होगा। ये परंपराएं जो उजागर हो रही हैं, ये वो परंपराएं हैं संत आसाराम जी बापू की जीवन से जुड़ी हुई दादू परंपरा। लोग बोला करते हैं कि इतने बड़े परंपरा और इस परंपरा से वंचित रखा गया मीडिया के माध्यम से, तमाम बातें आती हैं, सच्चाई की बात आती है तो इतनी बड़ी सच्चाई मीडिया ने छिपाई और यहाँ तक कि दिखा दिया कि संत संत नहीं है, संत आसाराम जी बापू संत नहीं है, जबकि वो हकीकत जो आज कई सदियों से चली आ रही है परंपरागत संत आसाराम जी बापू की दादू परंपरा। हम लोग दादू दीनदयाल जी की नगरी में खड़े हुए हैं, नरना धाम दादू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर अभी मेला चल रहा है और इस जगह पर कई बार 26 जनवरी 2011 को बापूजी यहाँ पधारे थे, इस पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया था। दादू दीनदयाल जी की परंपरा से संत आसाराम जी बापू की सहने तक की परंपरा का हम व्याख्यान कर लेते हैं, क्या बोलेंगे दादू दीनदयाल जी ने कितना सहा? संत होते हैं वो वैसे सहनशील ही होते हैं, सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज इस संसार में सत्य का प्रचार करने के लिए निकले और उनका मूल मंत्र यही है कि सत्य का उपदेश दिया जाए, आपा मेटो हरि भजो तन मन तजो विकार निर्वेरी सब जीव से दादू ये मत सार, तो इस प्रकार प्रचार कर रहे थे। उस समय में असामाजिक तत्वों ने बहुत उत्पात भी किए थे और कुछ असामाजिक तत्व परंपरा में भी जुड़े होते हैं, वो लोग अपने शिष्यों को भेजा के जाओ दादू दयाल जी को अपनी परंपरा में मिला लो, तो चित्रदास है, जंगी दास है, राम गट्टा दास है, गेबी दास है, इन चार जनों को गलता जी के मेहनत ने भेजा, जाओ घंटी तिलक लेके जाओ दादू जी को अपनी परंपरा में मिला लो ताकि अपना परंपरा भी बढ़ेगी और हम मान दे देंगे दादू दयाल जी को। तो चार शिष्य आए दादू दयाल जी महाराज के पास और कहा कि हम आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, आप हमारी परंपरा मिल जाओ। दादू दयाल जी महाराज ने कहा भाई ऐसा हमें तो मान सम्मान चाहिए नहीं, हम तो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। तब उनको और वो हुआ भीतर से और उन्हीं में से एक शिष्य जिनका अच्छा भाग्य था वो दादू दयाल जी महाराज का शिष्य बन गए चित्रदास जी, 100 शिष्यों में वो एक शिष्य कहलाए। तमाम बातें आती हैं कि जो बॉम्बे में सम्मेलन हुआ संत आसाराम जी बापू को अध्यक्ष बनाया गया और बाद में आज के हालातों में अखाड़े वाले जो तमाम बातें करते हैं, तो जो विदेशी लोग चाहते हैं कि फूट डालो राज करो, तो आपको ऐसा ही लगता है कि ये लोग शिकार हो रहे हैं उन तमाम बातों का? हाँ अवश्य हो रहे हैं शिकार और अवसरवादी है, इस कारण से वो इस प्रकार से बातें करते हैं, नहीं तो वही बापू जी के जो सानिध्य में बैठ करके बापू जी को अध्यक्ष रूप में मान करके और अपने आप को धन्य कर रहे थे। लेकिन स्वामी जी जो एक एक करके ऐसे दूर कर दिया जाएगा, दूर करने के बाद फिर एक एक को तोड़ दिया जाएगा, सारे संतों को अलग अलग कर दिया जाएगा, फिर धराशायी करने व्यवस्था हो ही जाएगी, इनको मिल ही जाएगा रास्ता? भीतर से तो नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा तोड़ रहे हैं, अवसरवादी वो टूट रहे हैं, बाकी जो सच्चे हैं वो नहीं टूटे हैं। अभी भी बापू जी के प्रति आस्था है उन लोगों की और करोड़ों भक्त टूटे नहीं है, क्या बापू जी के भक्तों को तोड़ सकता है? ना, कभी नहीं तोड़ सकते। और जिनकी आस्था है अखाड़ों वालों की या और मेहनतों की आचार्यों की, उनकी तो है, अभी भी है, तथाकथित कोई टूट जाए पैसे देके तो वो बात अलग है। संत जब प्रचार करते हैं तो जैसे दादू दयाल जी महाराज का आया तो वे प्रचार कर रहे थे तो हजारों शिष्य बन रहे थे, उस समय के मेहनत आचार्य वो भी सोचे थे कई कि हमारे शिष्य ने बन के इनके कैसे बन रहे हैं। मुल्ला पंडितों ने है जो बहुत बड़ी साजिश करके अफवाहें उड़ा करके राजा को जाके बोला कि दादू जी है ऐसे आगे यहाँ पर पाखंडी है वो है इस प्रकार से मनमुख काम चलाते हैं, नहीं परंपरा से नहीं है, इनका कोई अखाड़ा नहीं है, ऐसे जाकर के राजा बिलंद खान को बोले थे। तो बिलंद खान ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी आज से दादू दयाल के पास कोई नहीं जाएगा। तब सामान्य जनता जा नहीं पाई और जो जाएगा उनको 500 रुपये मोरों की दंड रूप में देनी पड़ेगी। तो दो मैसरी बणिए गए, तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा भाई तुम क्यों आए हो, बाकी तो नहीं आ रहे हैं? तो मैसरी बणियों ने कहा देखो हमारा
जो आना यहाँ व्यर्थ नहीं है। आपके दर्शन 500 रुपए में भी मिले तो हम दर्शन करेंगे। उस समय के 500, उस समय के आज के हम करोड़ों में लाखों करोड़ों में होंगे। दादू खोल है, इसको दादू खोल बोलते हैं, मतलब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रख दिया गया था। जी जी जी। और फिर यहाँ पर शेर चीता वगैरह जो जानवर हैं जी, उन्होंने उनके शरीर को खाकर भक्षण करने के लिए खाया जंगली जानवरों की पवन दाग के लिए रखा था। काहे के लिए? पवन दाग, पवन दाग के लिए रखा गया, उड़ने चलने वाले सभी जानवरों कोई भी को सबका सुधा भरे। जल दाग जी, जैसे दधीची जी ने जो अपनी हड्डियों का और अस्त्र बनाने के लिए शरीर को चटवाया था गाय गौ माता के मुख से, वैसे ही संतों की परंपरा रही है और शरीर को भी समाज की अंतिम सेवा में भी दे दे आते हैं। स्वामी जी, एक बात और विशेष पॉइंट पे आती है, जैसे आप बोल रहे हैं कि संत आसाराम जी दादू परंपरा से के आए क्रमबद्ध तरीके से संत हैं, इसमें भी बहुत अच्छे उठाया गया था मीडिया के माध्यम से, क्या उस श्रृंखला को आप पुष्ट करेंगे? 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण स्वामी भी साथ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेनन के साथ में मैं भी था वहाँ पे, तो उस समय में ये बात मीडिया वालों ने उठाई, तो मैंने उस समय में भी कहा था कि हमारी परंपरा दादू दयाल जी महाराज से हैं और स्वामी जी श्री नेचुरल दास जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं, उनसे वेदांत जो प्रचार हुआ है उसके बाद में कुछ दादूपंत परंपरा वाले भी बोलते हैं। और जैसे पूज्यपाद श्री आचार्य श्री श्री गोपाल दास जी महाराज ने बोला ही है कि नेचुरल दास जी हमारे बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं और शाखाएँ बहुत फैली हुई है, तो उन्हीं नेचुरल दास जी से आगे फिर संतों का जो एड हुआ है, संतों की जो परंपरा जुड़ी है, केशवदास जी है, फिर बापू जी।